हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सोया परी की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाया होगा और कई तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको विलेज स्टाइल में आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। यह सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी घंटी आती है, उसे दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 75 ग्राम सोयाबीन। तो जब भी आप सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही सोयाबीन लेना चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। इसे हमने थोड़े बड़े बाउल में रखा है और पानी हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, नहीं तो निचोड़ते समय हाथ आपका जल सकता है। तो बस हल्का सा पानी को गर्म कर लेना है और इसमें डाल देंगे, और एक चम्मच की सहायता से इस तरह से हम इसे इसमें डुबो देंगे। उसके बाद इसे ढक के साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से पानी सोख लें। और विलेज स्टाइल में बनाने के लिए हमने यहाँ पर खड़ा मसाला लिया है, थोड़ा सा धनिया, 4 लाल मिर्च, 12-13 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा जीरा। इन सारे मसाले को हम एक मिक्सी की जार में डालकर पहले हम सूखा पीसेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, आप वैसे तो इस सब्ज़ी में आप सूखा मसाला भी डाल सकते हैं पाउडर वाला, लेकिन मैं इसे गांव के स्टाइल में बना रही हूँ तो मैं इसे पीस कर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें एकदम बारीक पीस लेना है। और यहाँ पे हमने लिया है 4 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू। आलू को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो अगर आप छोटा आलू ले रहे हैं तो इस तरह से 4 बार ही काटना है, 4 भाग में, और जो बड़ा रहता है उसको हम 2-3 बार इस तरह से काट लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आलू काट लेंगे, और काटने के बाद हम इसे, ये एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है तो इसे हम हटा देंगे, इस तरह से अलग कर देंगे हम। ये हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च जिसे हमने 2 भागों में काट लिया है। और अब 10 मिनट हो गया है और ये जो सोयाबीन है अच्छी तरह से पानी सोख लिया है और पूरे अंदर तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इस तरह से हाथ से इसे निचोड़ कर एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो इस तरह से दबा दबा के हम इसका पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे सोयाबीन को निकाल लिया है एक प्लेट में। अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए, और कढ़ाई को हम अच्छे से गरम होने देंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, और तेल को हमें अच्छी तरह से गरम करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोयाबीन। तो फ्रेंड्स, तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा तेल है अच्छी तरह से गरम नहीं हुआ था, इसकी वजह से ये कढ़ाई के तले में हल्का सा चिपक रहा है। तो अगर तेल को अच्छे से गरम करेंगे तो ये नहीं चिपकेगा। तो इसी तरह से इसे लगातार चलाते हुए हम इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर ये सोयाबीन अच्छी तरह से भून गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और वापस हम सेम कढ़ाई को क्लीन करके फिर से गर्म होने के लिए रख देंगे। और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें फिर से डालेंगे 3-4 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा,
जीरा का कलर जब हल्का सा चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता और हरी मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें प्याज भी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो 3-4 मिनट हो गया है, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मसाला पीस कर लिया था वो डाल देंगे। साथ ही हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक और टमाटर, और इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 4 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मीट मसाला और आलू, अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इस तरह से चलाते हुए हम लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन, इसके साथ ही हम इसमें पानी भी डाल देंगे। तो जैसी आपके ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डालिए। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप कम पानी डालिए, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालिए। जो भी आलू का टुकड़ा एक दूसरे से चिपका होगा उसे हम इस तरह से पलटे से दबा के साइड कर देंगे, हटा देंगे, अलग कर देंगे, और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और ढक के इसे हम पकने देंगे। तो लगभग 7-8 मिनट हुआ है और ये सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो बस हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए इस सब्जी में। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, विलेज स्टाइल में आलू और सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठे, पूरी, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी घंटी आती है उसे दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स, आप और मेरे चैनल पे किस रेसिपी का वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।